अपनी संस्कृति से और अवगत कराने के लिए, सबको पूरी तरह से समर्पित होने के लिए कि इसमें जोड़ने का प्रयास किए हैं, इस उद्देश्य से हम लोगों ने शोभा यात्रा का आयोजन किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति ने उजार खबर पैनी नजर। हिंदू नववर्ष के आगाज के मौके पर भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति की तरफ से एक विराट भव्य शोभा यात्रा कोलकाता के बड़ा बाजार से निकाली गई। शोभा यात्रा जोड़ा बगान पावर हाउस से प्रारंभ होकर कोलकाता के विभिन्न मार्गों से होते हुए भूतनाथ मंदिर के पास समाप्त हुई। बाबा भूतनाथ मंदिर के पास माँ गंगा महाआरती का विराट आयोजन किया गया था। इस मौके पर कार्यक्रम अध्यक्ष विशिष्ट समाज सेवी लक्ष्मीकांत तिवारी, समाज सेवी जय प्रकाश सिंह, गोड़िया मिशन के भक्ति रक्षक ऋषिकेश महाराज, समाज सेवी सुशील चौधरी, समाज सेवी विजय गुजरवासिया, सिटी केवल के तीन कौड़ी दत्ता, समाज सेवी किशन किल्ला, समाज सेवी मनोज पोद्दार, समाज सेवी अजय जालान के साथ वार्ड 20 के पार्षद विजय उपाध्याय मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति के अध्यक्ष आचार्य राकेश कुमार पांडे, उपाध्यक्ष संजय मंडल, अजय कुमार सराफ, सचिव शैलेश कुमार बागड़ी, सह सचिव महेश केडिया, नितिन आर्य ने अतिथियों का जमकर स्वागत किया। लक्ष्मीकांत तिवारी ने कहा कि हिंदू नववर्ष हमारे मन में एक ऊर्जा का संचार पैदा करता है, इससे हम साल भर तरोताजा रहते हैं। भव्य शोभा यात्रा की निराली छटा ने सभी का दिल जीता है। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति इस प्रकार के विराट आयोजन करती रहेगी। हिंदू नववर्ष में मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आप सजग रहिए, सशस्त रहिए और इसी तरह से सहयोग देते रहिए ताकि कार्यक्रम सफल रहे। जय श्री राम। आप सबको हिंदी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम लोगों का कार्यक्रम, आप लोग का उत्साह देके हम लोग सब बहुत उत्साहित है। शैलेश बागरी ने हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि माँ गंगा महाआरती में भाग लेकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बाबा भूतनाथ मंदिर के पास यह विराट आयोजन हर किसी के लिए शिक्षा का स्रोत बनेगा। उन्होंने कहा कि सबको संगठित करके इतना भव्य आयोजन हो सका है। हम लोग गंगा महाआरती करके नौ वर्ष का जश्न मना रहे हैं। संस्था के जो अध्यक्ष है पंडित राकेश कुमार पांडे जी हमारे साथ है, पूरे कार्यक्रम को आपके शब्दों में बताइए। आज यह कार्यक्रम नौ वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, यह हमारा नव संवत्सर है और इसमें हम अपने जनता को, हर सनातनी को जागरूक बनाने के लिए, अपनी संस्कृति से और अवगत कराने के लिए, सबको पूरी तरह से समर्पित होने के लिए कि इसमें जोड़ने का प्रयास किए हैं, इस उद्देश्य से हम लोगों ने शोभा यात्रा का आयोजन किया है। यह शोभा यात्रा आप जानते हैं जोड़ा बगान से आरंभ होकर के भिन्न मार्गों से होते हुए आज यहाँ भूतनाथ घाट पर आई है और यहाँ पर यह समापन हो रहा है और यहाँ पर गंगा महाआरती का भी आयोजन किया गया है। चलिए तो फिर देर किस बात की, हम लोग भी चलते हैं गंगा महाआरती में। कार्यक्रम के दौरान संरक्षक गण में प्रभु दयाल चौधरी, महावीर बजाज, सुशील ढेलिया ने भी भारतीय नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं दी। भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति के कोषाध्यक्ष कमल शाह राजूलाठ, संपर्क प्रमुख ब्रिजेश बागड़ी, सह संपर्क प्रमुख राजकुमार भाला, नीतीश अग्रवाल, साहित्य विभाग के सत्य प्रकाश राय, आशीष चौधरी, प्रचार प्रमुख रोहित शर्मा, सह प्रचार प्रमुख शिव सोनकर, शुभम उपाध्याय, नीतीश सिंह, नीरज पांडे और संचार प्रमुख कौशिक घोष, यश बिनानी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। वहीं स्वागत समिति में श्रीमती पूर्णिमा कोठारी, दिनेश रतेरिया, गोपाल बंका, अशोक अग्रवाल, प्रकाश किला, प्रमोद अग्रवाल, अमित भालोटिया, आनंद नारसरिया, नंदलाल राठी, डॉक्टर प्रभात सिंह, नीरज सांगनेरिया, श्रीमती कुसुम मोदी विशेष रूप से सक्रिय रही। ये शोभा यात्रा गत कई सालों से हिंदू समाज के रक्षा और हिंदू समाज की जो सनातनी जो हमारा पहचान है
उस पहचान को बरकरार रखने के लिए ये किया जाता है हर साल इस अप्रैल के महीने में। आगे ये मैसेज देना हम लोग चाहते हैं कि हिंदू हिंदुस्तान का है, हिंदुओं को संगठित रूप से यहाँ रहना है और अपने जो भी सनातनी जो त्यौहार हैं धर्म हैं उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और उसमें काम करने के लिए लोगों में हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं इस जुलूस के माध्यम से। जो लोग वेस्टर्न कल्चर या ये आज का जो शिक्षा जो है उसको जिस तरह से हमारे सनातन को लुप्त किया जा रहा है उसको जिंदा रखने के लिए हम लोग इस जुलूस के माध्यम से हम लोग ये एक अवेयरनेस चलाते हैं कि हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है और हमारी पहचान किससे है। उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अब पूरा देश भी इस भारतीय नववर्ष को जान गया है, प्रत्येक व्यक्ति इस आनंद ले रहा है इस नववर्ष का। करीबन 3 से लगभग संस्थाएं हमसे जुड़ी है जो इस नववर्ष को बड़े हर्षोल्लास से बना रही है। अब एक भव्य गंगा आरती का आयोजन गंगा घाट पे होगा, तो आप इसका भी आनंद आप भी लीजिए और भारत माता की जय कीजिए। चलिए गंगा आरती में हम लोग भी भाग लेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और इस तरफ से देखिए जुलूस का नजारा, ढोल ताशे बज रहे हैं। ढोल ताशे बज रहे हैं, देखिए इधर आइए इधर। ये देखिए ढोल ताशे बज रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए किस प्रकार से झांकी और झांकी देखिए, कोई महाराणा प्रताप बना हुआ है। मातृभूमि सेवा संघ के द्वारा ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। महिलाएं आज वीरांगनाएं के रूप में आज सड़कों पर हैं, नौ वर्ष के जश्न को मना रही हैं। ढोल ताशे बज रहे हैं, आप देखिए इस तरह से हम लोग आपको दिखाएंगे। ढोल ताशे बज रहे हैं, देखिए ये देखिए, नौ वर्ष का जश्न है। बड़ी झांकी निकली हुई है, विराट शोभा यात्रा निकला हुआ है। कोलकाता के सड़क पर हम लोग भी चलेंगे और ये देखिए जश्न को देखिए। भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति विगत 12 वर्षों से 9 वर्ष महोत्सव मनाता आ रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों में 9 वर्ष उत्सव को मनाने के लिए जागरूकता है। 9 वर्ष उत्सव को सभी लोग, पूरा समाज धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ उत्सव के रूप में मनाए, इसके लिए हमारा ये संस्था भारतीय संस्कृति संवर्धन समिति निरंतर प्रयत्नशील है। मित्रों, हम लोग विगत 12 वर्षों से ऑनलाइन पंचांग भेजना, ऑनलाइन जागरूकता लोगों में लाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रत्येक वर्ष बच्चों में, महिलाओं में, समाज के प्रत्येक वर्ग में 9 वर्ष के लिए जागरूकता है, इसके लिए हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। विगत शनिवार चैत्र शुक्ल एकम के दिन हम लोगों ने एक विशाल शोभा यात्रा और माँ गंगा की महाआरती का आयोजन किया। इस आयोजन में, इस 9 वर्ष उत्सव में समाज के लगभग 30 संस्थाओं ने हम लोग को सहयोग किया और हमारे साथ इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। मित्रों, लगभग 1000 के संख्या में शोभा यात्रा में नागरिक उपस्थित थे। बड़े, बच्चे, महिलाएं, सभी लोगों की भागीदारी थी। शोभा यात्रा के पश्चात माँ गंगा की भव्य आरती हुई और इस आयोजन के लिए विगत 3 महीने पहले से, दिसंबर के अंत से हम सभी लोग प्रयत्नशील थे। संस्था के लगभग 30 कार्यकर्ता निरंतर इस कार्य में लगे हुए थे। संस्थाओं से संपर्क करना, व्यवस्था के लिए बैठकें करना कि कैसी व्यवस्था होने से ये कार्यक्रम भव्य होगा, इसकी रूपरेखा तैयार करना
और अंत में 3 महीने के अथक परिश्रम के पश्चात ये कार्यक्रम विगत चैत्र शुक्ल एकम को संपन्न हुआ और समाज के सामने एक प्रेरणादायी कार्यक्रम हम लोगों ने रखा कि समाज इस कार्यक्रम को देखे और अपने अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने कॉम्प्लेक्स में नव वर्ष उत्सव हर समाज पालन करे, यही हमारा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सामने हमने रखा है। हमारी ये आशा है, आकांक्षा है कि पूरा समाज अपने भारतीय नव वर्ष को नव वर्ष उत्सव के रूप में मनाए। और इसी आकांक्षा के साथ हम सभी लोग इस नव वर्ष उत्सव को मनाते रहेंगे, समाज को प्रेरणा देते रहेंगे। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।